हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लीम्स हब पर। जैसा कि आप लोगों को बताया है, थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि साइंटिफिक फैक्ट, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी देंगे, ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में अति महत्वपूर्ण रखेंगे। साइंस के कुछ जो प्रश्न जो आप लोगों के आते हैं, उसमें से जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, उसके लिए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग लेके आए हैं साइंस के लिए। जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है पास्कल लॉ। पास्कल का नियम जो क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो पास्कल का लॉ जो कहता है, वो ये कहता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया 50 पास्कल का। कितने का लगाया? 50 पास्कल का प्रेशर लगाया, ठीक है। अब मैंने प्रेशर का लगाया ऊपर लगाया, ठीक है, तो वो जो 50 पास्कल का प्रेशर है, वो पूरे बीकर के अंदर सब जगह लगेगा। पूरे बीकर के अंदर क्या लगेगा? सभी जगह लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक द्रव के एक हिस्से में हम लोग अगर प्रेशर लगाते हैं, तो वो बीकर द्रव के सभी हिस्से में बराबर बराबर संचालित होता है। ये पास्कल लॉ कहता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड इक्वली ट्रांसमिट एट ईच पार्ट ऑफ फ्लूइड। मतलब प्रेशर जो है, किसी एक पार्ट पे लगाया जाता है, तो वो सभी जगह बराबर बराबर संचालित होता है। ये पास्कल का नियम कहता है, ठीक है। इसका काम कहाँ कहाँ आता है, ठीक है? एक तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मतलब हाइड्रोलिक कहाँ भी आप हाइड्रोलिक नाम आ रहा है ना, तो आग बंद करके आप लोग पास्कल लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों ने खेलते थे पिचकारी से, आप लोग पानी भरते थे पिचकारी से, ठीक है। फिर आप छोड़ते थे पिचकारी से, जो छोड़ते थे ना, उसे पास्कल लॉ लगता था। कैसे लगता है बताता हूँ। जैसे मैंने बोला ये पिचकारी है, क्या है? ठीक है, ये मैंने पिचकारी का, ये यहां से मुंह जिसमें से पानी भरते थे, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के लिए पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहां से पानी भर दिया। अब मैंने इधर से प्रेशर लगाया, प्रेशर कहां लगाया? प्रेशर तो यहां पे लगाएगा, प्रेशर तो यहां पे लगाया, तो पानी इधर से निकला निकला। आप जैसे इधर से प्रेशर लगाते थे, थोड़ा सा लगाया, कितना भी लगाए, पानी हैंड टू हैंड उधर से निकल जाता था। क्यों निकल जाता था? क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर यहाँ लगाया, इसने यहाँ पे आगे लगाया, ठीक है, इसने आगे लगाया और इसने आगे लगाया, और ऐसे पानी निकल जाता था। इसका मतलब मैंने प्रेशर तो यहाँ लगाया, पर पूरी जगह इक्वली ट्रांसमिट हुआ नहीं हुआ, बराबर संचालित हुआ नहीं हुआ। ये इसलिए होता है, प्रेशर का एज में पास्कल लॉ लगता था, इसलिए यहाँ पे होता था। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोलिक ब्रेक देखा होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको हाइड्रोलिक ब्रेक। जैसे ब्रेक, जैसे मैंने आपको बोला आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, अब इतनी बड़ी गाड़ी है, आपने उसको कंट्रोल करना है, तो आप लोगों ने क्या दबाया? ब्रेक दबाया, ठीक है। अब आपने ब्रेक दबाया, अब आपका पांव है, कोई लोहे का तो है नहीं, पूरी गाड़ी एक ही बार में रुक जाएगी। वो क्या होता है, जैसे मैंने इधर से प्रेशर लगाया, ठीक है, ब्रेक में प्रेशर लगाया, अब ये जो प्रेशर होता है, या मैंने जितना कितना भी का भी लगाया, 20 पास्कल, 50 पास्कल, कितना भी का लगाया, ये जो ब्रेक होता है, इसमें जो मैंने प्रेशर लगाया, वो सभी जगह इक्वली, मतलब सब जगह बराबर बराबर जाएगा। सब जगह जो होता है वो कितना बराबर इक्वली इक्वली जाता है, और वो जो जाता है फिर वो गाड़ी के टायर पे जाके चिपक जाता है। मतलब मैंने यहां से तो लगाया प्रेशर, वो सभी जगह इक्वल जाके, मतलब पूरी गाड़ी के अंदर फिर वो टायर पे जाके बिल्कुल इक्वली जाता है, तभी वो गाड़ी पे उसको कंट्रोल करता है। इसलिए यहां पे मैंने जितना भी लगाया सभी जगह लगता है। इसलिए इसमें भी क्या लगता है? पास्कल लॉ लगता है। याद रखना, हाइड्रोलिक नाम का कहां पे भी कोई वर्ड आता है ना, तो उसको आप लोग डायरेक्ट पास्कल से जोड़ोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक वो लाइन से क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक से, और इससे कैसे मैंने समझाया इसको, कि कैसे आप लोग इस पे समझ सकते हैं कि पास्कल लॉ कैसे लगता है। ये था आज का वीडियो, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, पर बहुत ही कीमती और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूर करें, और आगे के आप लोग को लिए कौन से टॉपिक आप लोगों को चाहिए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताएं। थैंक यू।